ऐसे जो डिशेज है ना आपको सिर्फ इंडिया में मिलेंगे, इंडिया वाले ऐसे डिशेज बनाते हैं और आपको कहीं नहीं मिलेगा। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त चेतन। फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूँ एक नए लोकेशन, देयर इज संस्कारी नगरी वडोदरा। मैं यहाँ पे एक यूनिक चीज ट्राई करने वाला हूँ जिसे कहते हैं मोमो पिज्जा। चलिए देखते हैं ये बनता कैसा है। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ये फ्राइड मोमो है, ओके। चटनी होममेड ग्रीन चटनी, यस ओके। इसे हम रसगुल्ला की चाशनी भी बोलते हैं। पिज्जा पास्ता सॉस, ओके। ये होममेड है। ये क्या डाला आपने? ये अपने हरीसा। कौन सा? हरीसा। ये तंदूर। तंदूर के तंदूर सॉस। तंदूर ये हमारी क्रीम है। ये फ्रेश क्रीम है ये? यस सर। ओके स्वीट कॉर्न, ओके। कैप्सिकम विद टमेटो, अनियन। सर आपकी ज्वाइनिंग होती है, ऑनियन डलाना हो तो भी बेटर है, ना डलाना क्योंकि ये जैन फूड भी कहलाता है। ओके तो मतलब इसमें ये जैन फूड का भी ऑप्शन है, अगर आपको कांदा नहीं चाहिए तो भी नहीं आएगा सर। मोज़रेला चीज, इंदौर का केसर, क्या है ये? रेड कर देगा, इंदौर का केसर बोल दो। इंदौर का केसर, ओके। ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स। ये ओवन में बेक होने जाएगा, इसको अभी आप बेक करेंगे। तो फ्रेंड्स मोमो पिज़्ज़ा वो डेफिनेटली अमेजिंग, तो इसका टेस्ट था काफ़ी खाने में बढ़िया था। जैसे कि आपको पता है मोमो जो होता है इट इज़ बेसिकली नेपाल ओरिजिन कुजीन, एंड पिज़्ज़ा जो होता है इट इज़ इटली ओरिजिन कुजीन। तो ये जो कॉम्बिनेशन था आई कुड से नेपाल और इटली का, वो खाने में काफ़ी बढ़िया था। एंड टू बी ऑनेस्ट ऐसे जो डिशेज है ना आपको सिर्फ इंडिया में मिलेंगे, इंडिया वाले ऐसे डिश बनाते हैं और आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आई वुड सजेस्ट अगर आप एक बार आएंगे तो आपको ये डिश ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।